भी नहीं होगा, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ तो आप इसे आ जाती है न कोई जफा काम आई, रखते आंगन जब कभी आया माँ की दुआ काम आई। देखा जाए तो ये कहना बेजा नहीं है कि माँ अहले जमीन के लिए रब्बे करीम का एक बेहतरीन तोहफा है। ये दर्द मंदिर का गिरा कदर नुस्ता कीमिया और ना उम्मीदी के अंधेरों में रोशन चराग है। माँ के मन पर जन्म में एहतसाब का लतीफ तरीन जज्बा है। माँ किसी भी रंग और नस्ल की हो, इसकी छांव और लाज के लिए घना साया और सरमाया है। मानव इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मकाम पर जिस अंदाज में बयान फरमाया है, इससे माँ के नाम के मायने की अजमत पर मोहर लग गई। माँ नीम से मोहब्बत करने वाली, अलिफ से एहसास करने वाली और नून से निडर ना खफा होने वाली। माँ इस कायनात के सबसे अच्छे, सच्चे और खूबसूरत तरीन रिश्ते का नाम है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे खूबसूरत चीज तकलीफ की वो माँ बात है, जिनका कोई नामो बदल नहीं हो सकता। तो खसूस माँ जैसी हस्ती को सबसे ज्यादा कैफियत हासिल है। बाप के घर के बाहे के तमाम अमूर अंजाम देता है, बाहे के तमाम काम इसके जिम्मे होते हैं। वो सुबह गया रात को लौटता है। इस पूरे अरसे में सिर्फ माँ की जात है जो घर को संभालती, सवारती और चलाती है। वो घर के तमाम तर मामलात की जिम्मेदार होती है, खासतौर पर बच्चों की परवरिश, देखभाल, उनकी खुराक, लिबास, खेलने कूदने के औकात पैदा करने, घर में बेहतरीन नज्म व ज़ब्त कायम रखने में इसका किरदार बहुत अहमियत का हामिल होता है। बच्चों की जबान, गुफ्तगू, लबो लहजा को तहजीब याफ्ता बनाने में एक माँ का किरदार खसूसी तौर पर बहुत अहम होता है। चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है। रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाद किया, या रसूलुल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया तेरी माँ। पूछा फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। उसने अर्ज किया फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। तीन मरतबा आपने यही जवाब दिया, चौथी मरतबा पूछने पर आपने जवाब दिया तेरा बाप। सदर अली वकार दीन इस्लाम में माँ की नाफरमानी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है, क्योंकि माँ वो ऐसी हस्ती है जिसने बच्चों को अपना दूध पिलाकर पाला पोसा, उनकी परवरिश में अपनी हर राहत को कुर्बान किया, अपना हर आराम तर्क और अपनी हर ख्वाहिश को मिसाल कर दिया। बेशक इस मकाम और मर्तबे को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, मगर एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगी। दर्द चला जाता है मेरे घर की दहलीज से उदास होकर, दर्द चला जाता है मेरे घर की दहलीज से उदास होकर, परेशान नहीं होता है कभी अपने माँ के पास होकर। शुक्रिया।